आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में काफी निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया और चेज करते हुए भारत के ओपनर जल्दी आउट हो गए। आपको बताना चाहेंगे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल मात्र एक एक रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 5 रनों के स्कोर पर 3 बड़े झटके इन बड़े खिलाड़ियों के रूप में लगे, जिसके बाद भारत का उभरना और इस मैच में वापसी करना नामुमकिन सा हो गया। इसके बाद सभी उम्मीद लगा रहे थे कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को जीत दिलाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भी सभी उम्मीद लगा रहे थे कि धोनी और हार्दिक पांड्या मिलकर इस लक्ष्य को पा लेंगे, परंतु हार्दिक पांड्या के एक गलत शॉट के कारण पूरी भारतीय टीम को और पूरे भारत देश को इस वर्ल्ड कप से शायद हाथ धोना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद देश तो रोया ही, बल्कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा भी पांड्या के आउट होने पर रो पड़े। धोनी के चेहरे पर भी साफ निराशा जाहिर हो रही थी और भारत ने मात्र 92 रनों के स्कोर पर अपना 6ठा विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में गंवा दिया, जिसके बाद अब भारत का जीतना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, भारत के ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ में अगर आप हमारे साथ में दुख जाहिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।